बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं जाता था वो काफिलाए आशिके बारी, जिस तरह गुलिस्तान से चले बादे बहारी। इमाम अलैहिस्सलाम का काफिला वादी अकीके मुबारक से निकला और अगले रोज यानी 13 ज़िलहज बरोज आतवार को वादी सुफरा के मकाम पर पहुंचा। वादी सुफरा मदीना के नजदीक एक वादी है कि जहाँ पर खजूर के दरख्त बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये वादी उन हुजाज कराम के रास्ते आती है जो कि मक्का की जानिब सफर करते हैं, और इस मकाम से खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बारहा गुजर हुआ। यहाँ से बदर का मकाम तकरीबन एक मंजिल के फासले पर है। वादी सुफरा का पानी यम्बा की तरफ बहता है कि जिसके अतराफ में जहनिया, अंसार, बनी फहर और बनी नहद जैसे कबाइल आबाद हैं। तारीख में मिलता है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम का काफिला इस मकाम पर पहुंचा तो कबीला जहनिया के दो बुजुर्ग अफराद मुजम्मा इबन ज़ियाद और इबाद इबन मुहाजिर इमाम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और आपके कारवां में शामिल हो गए और आखिर वक्त तक आपके हमराह रहे। हत्ता के आशूर के रोज जब हमला उला में इमाम अलैहिस्सलाम के कुछ असहाब की शहादत हुई, उनमें ये दो बुजुर्ग असहाब भी शामिल थे। एक जानिब से इमाम अलैहिस्सलाम का काफिला मुख्तलिफ मनाजिल तय करता हुआ तेजी के साथ कूफा की जानिब बढ़ रहा था, जबकि दूसरी जानिब से कूफा के अंदर हालात जो है वो जिस तरह के हमने पहले भी बयान किया कि यकसर बदल चुके थे। नेज उबैदुल्ला को भी यजीद की जानिब से हुक्म मिल चुका है कि इमाम अलैहिस्सलाम का रास्ता रोको, तो बस कूफा के जो अंदरूनी हालात है उन पर काबू पाकर अफराद की खरीदारी करके उनको मालो दौलत का लालच देकर उन पर अपनी तलवार की धाक बिठाकर उसने अपना रोब कायम कर ही लिया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ उसने ऐसे अमली इकदाम किए जिसके जरिए से इमाम अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका जा सके। अब जैसे यजीद की तरफ से खत उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को मिला तो इसने फौरन खत मिलते ही हुक्म जारी किया कि वो तमाम शाहराएं जो कि इराक को जाती हैं उन पर गहरी नजर रखी जाए और किसी भी अफराद को तहकीक और जस्तजू के बगैर आने और जाने ना दिया जाए। इस काम के लिए इसने जिस फर्द का इंतखाब किया वही फर्द था जिसको उसने पहले कूफा की पुलिस का सरबरा और लीडर मुकर्रर किया था। उसी को इसने ये जिम्मेदारी सौंपी कि इराक की तमाम शाहराहों को अपनी जेर निगरानी रखे, कि जिसका तारीख में नाम हुसैन इब्ने नुमैर मिलता है। ये शख्स इस तरह के कामों में काफी महारत रखता था और ये वही शख्स था जिसने शबे शहादत जनाब मुस्लिम इब्ने अकील कूफा में कर्फ्यू नाफिज किया। इसी ने इमाम अलैहिस्सलाम के कासिद कैस इब्ने मुसहर सदावी को गिरफ्तार किया, जिसकी तफसील इंशाल्लाह आगे एपिसोड में हम बयान करेंगे। इसी शख्स ने यजीद के हुक्म से मक्का का मुहासरा किया। इसी शख्स ने कोहे अबू कुबैस पर मंजनीके लगाकर खाना काबा पर संगबारी की और खाना काबा के गिलाफ को जला डाला। और ये ऐसी खबीस तबीयत का मालिक था कि जिसकी पेशगोई खुद पहले अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब फरमा चुके थे कि जब आप मिंबर कूफा पर सलूनी सलूनी का नारा बुलंद कर रहे थे तो अफराद में से एक फर्द उठा और उसने सवाल किया, या अली, मेरी दाढ़ी और मेरे सर में बाल कितने हैं। जैसे ही आपने उसका यह सवाल सुना आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारे इस सवाल के मुतालिक मुझे रसूल खुदा ने पहले से ही खबर दी थी। तेरे सर के हर बाल की जड़ में एक फरिश्ता बैठा है जो तुझ पर लानत करता है, और तेरी दाढ़ी के हर बाल की जड़ में एक शैतान बैठा है जो तुझे राह रास्त से गुमराह करता है। बेशक तेरे घर में एक पहाड़ी बकरा है जो फरजंदे रसूल को शहीद करेगा। सदाकत की अलामत यह है जो मैंने तुझे दे दी, और अगर इस बात करना मुश्किल अमर ना होता तो मैं ये अमर तुम्हें साबित करके भी दिखाता, लेकिन यही सच है जो मैंने तुझे बतला दिया। तारीख बयान करती है कि यह सवाल करने वाला हुसैन इब्ने नुमैर का बाप नुमैर था, और इन दिनों हुसैन छोटा बच्चा था जो कि घुटनों के बल चल रहा था। इस कदर जालिम और सफाक शख्स को जब उबैदुल्ला की तरफ से हुक्म मिला तो इसने मुख्तलिफ सिपाहियों को कादसिया, खिफान, कुतकुतानिया और कोहे लाला के मकामात पर भेजा, और इसके अलावा उसने इराक की बड़ी शाहराहों पर भी अपने सिपाहियों को तैनात कर दिया ताकि कोई भी शख्स बगैर जस्तजू के आमदोरफ्त ना कर सके। यजीद की तरफ से जो उबैदुल्ला को खत मिला था उसके जवाब में इसने पहला इकदाम ये किया कि इराक की तमाम शाहराहों को अपनी जेर निगरानी कर लिया, और इसने दूसरा काम ये किया कि खानदान अली और वो अफराद जो के शियायान अहले बैत में से शुमार होते थे उन अफराद की गिरफ्तारी का एक बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ, और इनमें से अक्सर अफराद की तशखीस पहले ही माकल के जरिए हो चुकी थी कि जो खुद उन शियायान अहले बैत के पास बैठता था और उन तमाम अफराद की इतला उबैदुल्ला को जाकर दिया करता था। और एक बड़े पैमाने पे कूफा शहर के अंदर गिरफ्तारियां अमल में आई कि जिनमें बड़े बड़े शियायान और हत्ता के उनके बुजुर्गान को भी गिरफ्तार किया गया। हत्ता के तारीख में मिलता है कि इस दौरान जिन बुजुर्गान की गिरफ्तारी की गई उनमें सुलेमान इब्ने सुरदे खुजाई, मुख्तार इब्ने अबू उबैद सकफी और इनके अलावा दीगर 400 बुजुर्गान शिया मौजूद थे कि जिनको उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने अपने जिंदान में डलवा दिया। कूफा में हालात इस तरह तेजी से तब्दील हो रहे हैं और दूसरी जानिब से इमाम अलैहिस्सलाम तेजी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। अगली मंजिल पर इमाम ने कहां पे तवक्कुफ फरमाया और उस मकाम पर कौन कौन से वाकयात पेश आए, इंशाल्लाह अगली एपिसोड में बयान करेंगे। अस्सलामु अलैल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन।